नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी रश का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है सबसे पहले रश्मि देसाई। रश्मि अपने सोशल अकाउंट पर बहुत सारी तस्वीरें शेयर करती हैं जो कि वायरल होने में एक मिनट भी नहीं लगाती। वैसे ही रश्मि ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर अपनी भांजी के साथ अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों में रश्मि और उनकी भांजी दोनों ही बेहद क्यूट नज़र आ रहे हैं। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू यानी कि राज ने इस शो से जुड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लोगों के साथ साझा की है। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस शो के लिए वो सिर्फ एक केमियो रोल के ऑडिशन के लिए गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कभी इस शो का हिस्सा होंगे। राज ने ये भी बताया कि उनकी माँ इस शो की बहुत बड़ी फैन है। जब उन्हें पता चला कि राज इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वो बेहद खुश थी। लेकिन एक केमियो रोल नहीं बल्कि राज इस शो का पूरी तरह से हिस्सा बनेंगे, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। राज ने बताया कि ये शो बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ के लोग और भी ज़्यादा अच्छे। ये उनकी दूसरी फैमिली की तरह है और यहाँ उन्हें बहुत मज़ा आता है। बिग बॉस 2 और MTV रोडीज विनर आशुतोष कौशिक ने लॉकडाउन में अलीगढ़ में शादी कर ली है। आशुतोष ने अर्पिता के संग बड़े ही सिंपल तरीके से घर के छत पर ही शादी की है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शादी में केवल परिवार वाले ही शामिल थे। बता दें कि शादी में कुछ लोग ही शामिल हुए थे, आशुतोष की माँ और बहन और अर्पिता की माँ और बहन। शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने कहा है कि शादी एक बहुत ही पर्सनल मैटर है, तो इसमें क्यों भीड़, गाना बजाना और ढोल नगाड़े क्यों, आपके पर्सनल मैटर के लिए क्यों इतना खर्चा करना, मेरा ये मानना है कि उसे घर वालों के बीच ही करिए। बता दें कि आशुतोष उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अलीगढ़ की रहने वाली अर्पिता से शादी की है। शादी की रस्में आशुतोष के नोएडा सेक्टर 100 में स्थित घर पर हुई हैं। टेलीविजन एक्ट्रेस देविना बनर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हसमुख दयाबेन की नकल उतारती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में देविना ने दयाबेन की तरह साड़ी पहनी है और उनका फेमस डायलॉग आप ऐसे क्या देख रहे हो को रिक्रिएट किया है। देविना बनर्जी डायलॉग के साथ साथ दयाबेन के जैसे एक्टिंग भी करती नजर आ रही हैं। देविना का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। देविना के इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश इस प्रकोप से जूझ रहा है। इस बीच आम लोगों की तरह कपिल शर्मा भी घर पर ही हैं। इस बीच कपिल शर्मा अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ और बेटी संग क्वारंटाइन समय बिता रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कपिल शर्मा की शो की शूटिंग भी बंद हो गई है। इस दौरान कपिल अपने काम को भी काफी मिस कर रहे हैं। हाल ही में कपिल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने सोमवार को फैंस के साथ बातचीत की। ट्विटर पर आज कपिल सेशन के दौरान कपिल ने फैंस के सभी सवालों का जवाब दिया। इस दौरान एक फैन ने कपिल से पूछा कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे, एक दो नाम बताएं। फैन के सवाल का जवाब देते हुए कपिल ने कहा, मम्मी से, वो पंजाब में हैं। बता दें कि कपिल शर्मा अपनी माँ के बहुत करीब हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा भी कपिल से और भी मज़ेदार सवाल पूछे गए। एक यूज़र ने कॉमेडी किंग से पूछा कि एक चीज़ जिसे आप बहुत अच्छी तरह पकाते हैं और गिन्नी आपको इसे हर बार पकाते देखना पसंद करती हैं, तो कपिल ने जवाब देते कहा कि उनका दिमाग और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कपिल की हाजिर जवाबी की तारीफ तो बनती है। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।